अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी भारतीय राजनीति में कमाल की जुगलबंदी थी। दोनों एक दूसरे से जितना लड़ते थे उतना ही एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर भी वाजपेयी तो पीएम बन गए लेकिन आडवाणी जी की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। कुछ लोग मानते हैं कि उनके जोड़ीदार और राजनीतिक गुरु वाजपेयी ने ही ये सुनिश्चित किया कि आडवाणी कभी पीएम ना बन पाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि आडवाणी के पीएम ना बनने के पीछे सोनिया गांधी और कांग्रेस का बीजेपी में खास तौर से दखल देना था। क्या है पूरी सच्चाई और इन दावों में कितना दम है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अटल और आडवाणी जितना एक दूसरे से अलग हो सकते थे उतने अलग थे। अटल को एक पार्लियामेंटेरियन और टॉलरेंट नेता के रूप में याद किया जाता है, जबकि आडवाणी की छवि एक हार्ड लाइनर की थी, जबकि इनकी परवरिश बिल्कुल उल्टी है। वाजपेयी एक मध्यम वर्गीय घर में जन्मे थे जिनके पिता संस्कृत के अध्यापक थे, जबकि आडवाणी कराची में एक अमीर घर के चिराग थे जो लॉन टेनिस खेला करते थे, कैथलिक स्कूल जाते थे और अंग्रेजी बोलते थे। कोई मान ही नहीं सकता था कि आगे जाकर ये लड़का हिंदुत्व पॉलिटिक्स का पोस्टर बॉय बनेगा। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे से दूर बड़े होते रहे, दोनों का ही झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ा। वाजपेयी का तो आरएसएस में जाना स्वाभाविक था, लेकिन आडवाणी को इसलिए आरएसएस में ज्यादा दिलचस्पी आई क्योंकि वो पाकिस्तान बनाने की मांग करते हुए जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं को देख रहे थे। वो अपने आसपास कराची के माहौल को खराब होते हुए भी देख रहे थे और तब उन्होंने आरएसएस का दामन थामा और अगले कई वर्षों तक पहले कार्यकर्ता और फिर प्रचारक के रूप में भी शाखाओं में काम करते रहे। इसके बाद भारत का विभाजन हुआ, आडवाणी को कराची छोड़ना पड़ा, आडवाणी भारत आ गए और आरएसएस से जुड़े रहे। दूसरी ओर वाजपेयी अपनी हिंदू तनमन हिंदू जीवन जैसी कविताओं से कई बड़े नेताओं की नजर में आ गए थे और उन्हें 1957 का लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और इस काम में अटल जी की मदद करने के लिए कराची से आए इस नए लड़के आडवाणी को भेजा गया। यहाँ से अटल आडवाणी का साथ शुरू हुआ। अटल उस साल मथुरा लखनऊ और बलरामपुर की 3 सीटों से चुनाव लड़े और बलरामपुर से जीत गए। तब बीजेपी जैसा कुछ नहीं था, अटल जनसंघ की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ से दोनों एक नई लीग में दाखिल हो चुके थे और दोनों बदलने भी लगे थे। अटल जो जीवन भर शाखाओं का हिस्सा रहे थे अब पार्लियामेंट में जाकर अपने विजन में संतुलन लाना सीख गए थे। कहते हैं कि ये सब नेहरू के जादू का असर था। अटल ने हमेशा नेहरू को सराहा था लेकिन लोकसभा में वो नेहरू पर तीखे तंज कसने से भी नहीं बचते थे। इन सभी चीजों को देखकर नेहरू को भी अटल पर खास प्यार आता था। एक बार सोवियत यूनियन के अध्यक्ष निकिता खुरचोव को वाजपेयी से इंट्रोड्यूस करते हुए नेहरू ने कहा था, इनसे मिलिए, ये भारत के भावी प्रधानमंत्री। अब ये नेहरू ने मजाक में कहा या वो सचमुच अटल जी में कोई भविष्य देख रहे थे, ये तो कोई नहीं जानता। खैर, इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर इमरजेंसी लगी और आखिर में जनसंघ के साथ साथ जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें आडवाणी को इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिली और अटल को विदेश मंत्रालय। ये दोनों के लिए बड़ा मौका था अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। इसके बाद 1979 में जनता पार्टी में फूट पड़नी शुरू हो गई। जनता पार्टी के कई नेता मानते थे कि जनसंघ के नेताओं को अपनी आरएसएस और जनसंघ में से एक की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स थे जिनके कारण पूरा जनसंघ ही टूट गया और यहाँ से एक नई पार्टी निकली, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष वाजपेयी थे पर फिर 84 के पहले ही चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली। ये पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और अटल खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए। आपको ये जरूर लगता होगा कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से पार्टी में स्ट्रांग थे और आडवाणी उनके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन 84 के चुनाव के बाद सब बदल गया। मांग उठने लगी कि वाजपेयी इस्तीफा दें। इसकी एक वजह ये हार थी और इस हार की वजह वाजपेयी का आरएसएस से दूर होना था। वाजपेयी बीजेपी को आरएसएस के प्रभाव से दूर रखना चाहते थे, जिस वजह से इस चुनाव में आरएसएस के लोग उनसे खफा थे और बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली। वाजपेयी के इस्तीफे के बाद पार्टी की कमान आडवाणी के हाथ में आ गई और यहाँ बीजेपी का सिक्का पलट गया। आडवाणी ने फिर से आरएसएस और बीजेपी को साथ किया, संगठन और भी मजबूत किया और साथ ही राजीव गांधी जो हिंदुओं को अपने साथ करने के लिए कभी राम मंदिर का राग गाते तो कभी शाहबानो केस जैसे प्रकरणों से मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अटल इस वक्त तक पार्टी में तो थे लेकिन उनकी खास चलती नहीं थी। आडवाणी पार्टी को दिशा दे रहे थे और उन्होंने पार्टी को राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उतार दिया और बीजेपी पहले 285 सीटों पर पहुंची और उसके बाद अगले चुनाव में तो उनका आंकड़ा 100 के पार चला गया। बात साफ थी कि अगर भाजपा में कोई नंबर वन की पोजीशन पर है तो वो आडवाणी है। कहते हैं 1995 के चुनाव में आडवाणी खुद को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले थे।
आरएसएस और पार्टी मेंबर्स भी इसके समर्थन में थे, लेकिन फिर एक कांग्रेसी नेता मोहनलाल पोतेदार से बीजेपी नेता कृष्णलाल शर्मा की बात हुई। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और कृष्णलाल शर्मा उन्हें कभी कभी पार्टी में चल रही तकलीफों के बारे में बता देते थे। पोतेदार का ये दावा था कि उन्होंने कृष्णलाल शर्मा को समझाया था कि बीजेपी को अगले चुनाव में पीएम कैंडिडेट के साथ उतरना चाहिए। कृष्णलाल शर्मा जो आडवाणी के करीबी थे, उन्होंने आडवाणी के नाम पर यूं ही चर्चा शुरू की तो पोतेदार ने कहा कि आडवाणी की छवि हार्डलाइनर की है, इसके अलावा उनकी जाति के लोग भी भारत में ज्यादा नहीं है, इसके साथ साथ ना ही वो अच्छे वक्ता है, इसीलिए अगर आडवाणी के बजाय पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव में जाए तो जीत सकती है। अब पता नहीं ये बात आडवाणी तक पहुंची या नहीं, लेकिन पार्टी कानपुर अधिवेशन में प्रमोद महाजन और सभी बीजेपी नेताओं की स्पीच के बाद आखिर में आडवाणी बोलने आए और उन्होंने अटल का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर कर दिया। आडवाणी के कहने तक वाजपेयी से लेकर संघ तक किसी को मालूम नहीं था कि वहां कुछ ऐसा हो जाएगा। भीड़खोर हैरान थी और उन्होंने एक पॉज के बाद तालियां पीटनी शुरू की। संघ आडवाणी पर काफी नाराज हुआ। 1995 से 98 तक पहले 13 दिन और फिर 13 महीने के लिए वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 1999 में उन्हें बहुमत मिला और एक स्टेबल सरकार लोकसभा में आई, लेकिन 2001 तक संघ फिर से वाजपेयी से नाराज था, इसलिए आडवाणी को डिप्टी पीएम बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी चाहती थी कि अटल अब राष्ट्रपति बन जाए और आडवाणी को सत्ता सौंप दें। इस बार आडवाणी का भी यही मत था, लेकिन अटल ने संसद में घोषणा कर दी कि वो कहीं नहीं जा रहे और ना ही रिटायर हो रहे हैं। इस सार्वजनिक घोषणा के बाद पार्टी को भी उनकी बात माननी पड़ी और आडवाणी पीएम बनते बनते रह गए। फिर 2005 में अटल ने रिटायरमेंट ले लिया, 2009 में बीजेपी हार गई और 2014 में जब आखिरकार बीजेपी की बारी आई गई थी तो आडवाणी के ही राजनीतिक शिष्य ने उन्हें पटखनी दे दी। इस तरह से आडवाणी जो कई बार पीएम बन सकते थे, बार बार पीएम बनते बनते रह गए और डिप्टी पीएम का टैग उन्हें जिंदगी भर सताता रहा। आपको क्या लगता है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की जगह आडवाणी पीएम होते तो देश कैसा होता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।